नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पिछले के वीडियो नहीं देखे जिसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बात की जाए रीजनिंग के, तो आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तो उनको डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ पर एक आई का बटन आएगा तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो लॉजिकल हो गया, वर्बल हो गया, इनसे ही जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें से हमें कहा गया है कि इसमें विषम पद निकालना, विषम जो है वो हमें अक्षर संख्या युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ठीक है, लंब लिखा है, वही बात की है। तो दूसरा जो है वो आधार है और तीसरा जो है वो कर्ण है और चौथा जो है वो त्रिज्या है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये तीनों ही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। लेकिन त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक वृत्त की होती है। अब वृत्त में त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है, वृत्तखंड हो गया, तो ये सब जो है वो वृत्त से संबंधित होते हैं। जबकि यहाँ पर ये तीनों जो दिए हुए हैं वो त्रिभुज से संबंधित है। तो इसमें जो विषम पद होगा वो हमारा होगा डी ऑप्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायद आपको सही दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 88, दूसरा ऑप्शन है 97, तीसरा है 132 और चौथा ऑप्शन दिया है 121। इसमें से भी हमें विकल्प जो है वो भिन्न पद निकालना है। देखिए, तो आप देखो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो डी है ये क्या है, 11 का स्क्वायर है और बाकी जो संख्याएं दी हुई हैं वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन हो रहा है। अगर मैं दूसरे तरीके से देखूँ, जैसे कि अब ये 88 है, 88 है, तो ये क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होगा। देखिए, 11 से डिविजिबल होता है, 11 से। ये वाला देखोगे आप तो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा 11 से डिविजिबल। वहीं हम बात करें 132 का, तो ये 11 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। आप देखोगे यहाँ पर जब 11 से इसे डिवाइड करोगे तो 11 × 11 2 बचेगा और 2 बचेगा 11 × 22, तो आप देखोगे ये भी 11 से डिविजिबल हो गया और ये तो है ही 11 से। तो आप दो तरीके से इसके आंसर दे सकते हो। वैसे उसमें क्वेश्चन जो दिए रहते हैं वो हमेशा एक ही फॉर्म में दिए होंगे, आपको एक ही जो है वो लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो है बी भी है, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो ये सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है 11 का, जो कि बाकी जो संख्याएं दी हुई हैं वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन होगा। तो इसमें हम दोनों भी लगा सकते हैं, दोनों जो है वो इसके आंसर सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक विकल्प का चयन कीजिए जो जो बाकी सबसे भिन्न है, आई ई बी ओ। तो यहाँ पर आपको एकदम से क्लिक करेगा होगा ए ई आई ओ यू। ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं स्वर अंग्रेजी में, ओके, इंग्लिश में जो होते हैं ये स्वर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बी दिया हुआ है ये क्या हुआ है, व्यंजन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा आप जो है वो अगर डायरेक्शन मानो, देखिए डायरेक्शन में लोगों को कई बार कंफ्यूज होता है डायरेक्शन किसको मानो, तो ये है, इसको हमेशा ईस्ट यानी पूर्व माना करो, इसको पश्चिम, वेस्ट, इसको नॉर्थ, उत्तर और इसको साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। तो ये हमेशा हमें मान के चलना है, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, यानी हमारा राइट हैंड साइड जो रहेगा वो ईस्ट होगा, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो हमारा रहेगा वेस्ट साइड। और हमारा जो सर रहेगा, मतलब अगर हम सामने जो देख रहे हैं, या हमारा सर जो है वो हमारा उत्तर होगा, नॉर्थ होगा, और हमारे जो पैर होंगे वो होंगे दक्षिण की तरफ। तो इसी हिसाब से हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाहें, दाएं मतलब होता है राइट हैंड, राइट हैंड,
देखिए, अगर आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसा समझिए, दाया मतलब दाना, और दाना अपन किससे खाते हैं, सीधे हाथ से खाते हैं। देखिए, लेफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो रेयर कंडीशन रहती है। दाया मतलब होता है दाना, दा से दाना और दा से दाया, मतलब हमारे जो राइट हैंड साइड से खाते हैं तो दाया हाथ होता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो अगर कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, देखिए, फिर दाएं मुड़कर वो 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी किस दिशा में वो जा रहा है। तो देखिए, पहले वो किस दिशा में, पूरब दिशा में। पूरब दिशा हमारी किस तरफ है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैंने मान ली कि उसने यहाँ से स्टार्टिंग की और वो यहाँ तक चला जो कि 100 मीटर है, ठीक है, पूर्व की तरफ। फिर वो क्या करता है, राइट हैंड साइड मुड़ जाता है। राइट हैंड साइड मतलब अब इस तरफ मुंह है तो राइट हैंड हमारा इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा राइट हैंड। तो यहाँ से वो कितनी तरफ, 35 मीटर चलता है। तो यहाँ से ये 35 मीटर, ठीक है, आगे बोला गया है। फिर वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है। अब लेफ्ट हैंड देखो, इधर सर है हमारा, तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा जो है वो लेफ्ट होगा, तो यानी इस तरफ मुड़ेगा। तो इस तरफ मुड़ रहा है वो, इस तरफ मुड़ जाता है। तो अब वो किस दिशा में है, तो आप देखोगे ये किस दिशा में, पूर्व दिशा में। इस तरफ जो है वो पूर्व दिशा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, सब आपको दिए दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है, यानी गाय का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बछड़ा होता है, वैसे बकरी के बच्चे को, यानी जो बकरी का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है बछेड़ा, ऑप्शन बी पिल्ला, ऑप्शन ए यहाँ पर ये छोना, और ऑप्शन डी मेमना। तो आप सभी को बताओ, बकरी के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कुछ खास कोड दिए हुए हैं। रेल का दिया हुआ है 5796, टैप का दिया हुआ है 3748। तो हमें निकालना है PAIR का कोड क्या होगा। तो हम इन्हीं में जो दिए हुए हैं, जो दो कोड दिए हुए हैं यहाँ पर, इन्हीं से जो है हमें आंसर निकालना है। देखिए, पी पी का यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा मतलब पी है, तो इसमें भी तीसरा देखना पड़ेगा हमें, यानी चार हो जाएगा। तो पी का हमारा हो गया चार। अब ए देखना है, तो ये देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो, इसमें ए जो है वो सात है और ए जो है इसमें भी सात है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सात। इसी तरीके से आई, अब आई देखिए इसमें है, इसमें तो है नहीं है, तो आई हम इसमें देखेंगे, यानी सेकेंड लास्ट है, यानी नौ है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। और हमारा बचा क्या, आर, आर कितना है, फाइव है, तो आर हो जाएगा हमारा फाइव। तो कितना कोड बना हमारा, 5 4 7 9 5, 4 7 9 5, 4 7 9 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आसान से क्वेश्चन रहते हैं और आप बिल्कुल फ्री के नंबर रहते हैं एक तरीके से आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए शब्द दिए हुए हैं हमें, इसमें से हमें विषम निकालना है, मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा, मोती हो जाएगा। दरअसल देखिए, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये तीनों ही आप देखोगे ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के अपर अपर रूप, ठीक है। तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, जबकि मोती जो है वो अलग ही होता है। मोती आपने देखा होगा जो समुद्र रहते हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके से रहता है और उसको जो है वो निकालते हैं, तो जबकि ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सुनीता लकड़ियों की, सॉरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर बैठी है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। यानी राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी 11वें स्थान पर है और राइट हैंड साइड से भी 11वें स्थान पर है। मतलब आप देखोगे कि अगर ये 11वें स्थान पर है, इधर है, तो इधर बाकी की जो बचेंगी वो 10 बचेंगी, इधर भी 10 बचेंगी, और इसको एक मान लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 और एक बन, यानी 21। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। बाकी अगर आपको ऐसे करना हुआ करे तो आप ऐसे कर लिया करो, देखिए 11वें स्थान पर इधर से भी उधर से भी है, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया और माइनस 1 कर दिया करो, तो 11 दूना हो जाएगा 22, माइनस 1 यानी 21। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, यानी ऊपर से, ठीक है, और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखिए, ऊपर से तो है 7वां है और नीचे से जो है वो कितना है, 26वां है।
अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें दोनों तरफ से ही जो है वो 11वीं 11वीं पे थी, इसलिए मैंने ये वाला लगाया। अब इसमें मत लगा देना आप ये नेक्स्ट वाले में, ये गलत हो जाएगा, वरना यहाँ पर आप कैसे कर पाओगे। तो देखिए ऊपर से 7वां है और नीचे से जो है वो 26वां है, तो अब खुद सोचिए कि नीचे से जो 26वां है तो जो बचे होंगे बाकी 25 बचे होंगे नीचे की तरफ, और ऊपर से जो है वो 7वां है तो बाकी कितने बचे होंगे, 6 बचे होंगे और एक यहाँ पर है, मतलब इसका स्थान जो है यहाँ पर है, इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 25 + 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन सी चीज़ें हैं ये, आप आसानी से, इनमें कोई मेथड नहीं लगता एक तरीके से, अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो आपके लिए ही कन्फ्यूजन होगा। अब खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति है आपके, आप ही खुद सोच रहे हो कि आपके ऊपर जो है वो 6 व्यक्ति बैठे हैं और नीचे जो है वो बाकी के 25 बैठे हुए हैं, तो आपको भी काउंट करना पड़ेगा कि मैं भी तो हैं, तो 25 और 6 31 और 1 32, तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी देखिए समझिए। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, यानी सिर मतलब हेड, ओके हेड है, और पैर कितने हैं उसके, 224 यानी 224 हैं। बतखों की संख्या हमें निकालनी है कि कितनी होगी। अब देखिए हेड तो हमेशा एक ही रहता है, कोई भी जानवर ले लो, कोई भी पक्षी ले लो, तो हेड क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो हेड जो है ये बतख यानी डक का मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ मैं बकरे का, यानी बकरे को क्या बोलते हैं, गॉट, ठीक है। तो ये कितना है, हमारे सिर जो है वो दोनों की मिलाकर जो है वो 77 है, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही कहा है कि एक मैदान में बतख हैं और बकरे हैं, तो कुल मिलाकर जो सिर है वो दरअसल 77 है, ठीक है। अब देखिए अब पैर कितने हैं यहाँ पर, दोनों को मिला के यानी बकरे के भी और बतख के भी 224 है, पर आप देखोगे कि बकरे के तो 4 पैर होते हैं, बकरा जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, और बतख के जो है वो 2 ही होते हैं, इसके 4 होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो बतख के जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 हो गए डक के, पैर कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पी से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ से देखिए पी से इसे डिनोट कर देता हूँ, और 4 जो होते हैं वो किसको होते हैं, पैर बकरे के, बराबर इन सबको मिलाकर जो है वो टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हमें दिया हुआ है 224, 224। अब मैं इसको देखिए, एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया और दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया, तो मैं इसे 2 से डिवाइड पहले काट देता हूँ, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, और 2 से ये चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए पैर डक प्लस पी जी ये 2 आए हैं, ओके 112। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका, दोनों के इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से जो है वो हमें निकल आएगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको अब हटा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेता हूँ, एक साइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर H तो डक कर डक लिख लेता हूँ मैं सीधा सीधा, डक प्लस गॉट बराबर 77, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डक प्लस 2 गॉट बराबर हो जाएगा 112, ये पैर हैं, ठीक है। अब दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डक अब देखिए इसको माइनस करूँगा, इसको भी माइनस करूँगा, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डी से डी कट जाएगा, माइनस जी बराबर, यहाँ पर आप देखोगे 77 जब इसमें से घटाऊँगा तो यहाँ से माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो 5 ये बचा और 10 3 35, तो यहाँ पर हमें गॉट के जो पैर निकले वो 35, सर जो है वो 35 है बाकी है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बतकों की संख्या निकालनी है दरअसल, तो बतकों की संख्या आप देखोगे यहाँ पर मैं इसमें से जो है वो घटा दूंगा, 77 में से 35 जो है वो घटाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना हो जाएगा, 2 और ये 4 यानी 42। अब घटाया क्यों, अब ये पहला इक्वेशन है इसमें मैंने रख दिया था, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू पता पड़ गई थी, तो 77 में से मैंने यहाँ पर 35 घटाया तो हमें मिला 42, तो 42 जो है वो बतख है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो बी ऑप्शन 42। अब आप देखिए 42, अब अगर आपको वैसे भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप इसको ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हो, देखिए 42 यहाँ पर आंसर आया हमारा, 42 है। बतख के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो मैं यहाँ पर आप देखूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 84 हो रहा है, टोटल हमें जो है वो 224 जो है वो ये बतख के पत्ती हुए हैं, तो 84 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो बचेंगे कितने, 0,
यहाँ पर देखिए 4 और ये 140, 140 जो रहेंगे ये पैर किसके रहेंगे, ये पैर रहेंगे बकरे के रहेंगे, और बकरे के आपको पता है तो 4 पैर होते हैं, तो बकरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 4 दूना 4 3 12, ठीक है, और 4 5 20 35, तो आप देखोगे यहाँ पर भी देखिए 35 आई थी हमारी, ये देखिए ये 35 आई थी, और यहाँ इस तरीके से भी हमारी 35 आई है, ठीक है। तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, बाकी जो है दो इक्वेशन बनते हैं सीधा सीधा, इनको आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैरों का जो रहता है, सिर तो सबके सेम ही रहते हैं, एक ही सिर रहता है, लेकिन पैरों में आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, 2 पैर बतख के होते हैं, 4 पैर मेमने के बकरे के होते हैं, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित, जो आप आसानी से कर पाओगे और आप आसानी से जो है वो 6 नंबर ला पाओगे आपके सीपीसीडी एग्जाम में। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।